अब कांग्रेस के कैंपेन के बारे में आपको बता दें। आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल ने पैसा जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। सोचिए, कांग्रेस ने अभियान को नाम दिया है डोनेट फॉर देश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 1,38,000 रुपए का डोनेशन किया। 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना के 138 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए डोनेट फॉर देश अभियान के तहत कांग्रेस ने डोनेशन के लिए 1138 नंबर चुना। कांग्रेस ने लोगों से अपील की है कि वह 138 रुपए, 1,380 रुपए या 13,800 रुपए या फिर 1,38,000 रुपए दान दें। इस अभियान कांग्रेस के स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर तक ऑनलाइन रहेगा। 28 दिसंबर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर डोनेशन इकट्ठा करेंगे। कांग्रेस ने हर बूथ पर में कम से कम 10 घरों से 138 रुपए दान लेने का प्लान बनाया। अभियान के तहत कांग्रेस नेताओं, जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और दूसरे पदाधिकारियों से कहा गया है कि वो कम से कम 1,380 रुपए का डोनेशन लें। कांग्रेस के डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे के डोनेशन से हुई। उन्होंने दो बातें कही। पहली बात, उन्होंने कांग्रेस के इस कैंपेन को महात्मा गांधी से जोड़ा और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर अमीरों से चंदा लिया जाएगा तो उनकी बातें भी माननी पड़ेंगी, इसीलिए कांग्रेस सीधे जनता से पैसे मांग रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खड़गे जी आज लॉन्च कर रहे हैं डोनेट फॉर देश। कांग्रेस के गौरवशाली 138 वर्ष पूरे हुए और वो 138 वर्ष पूरे होने पे खड़गे जी आज कांग्रेस के लिए डोनेट कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है, तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज़ को हमको मानना पड़ता है। इस तरीके के बाद जब हम डोर टू डोर कांग्रेस के सिंपथाइजर से मिलने जाएंगे तो अपने आप में वो विन विन सिचुएशन है। एक तो हमारा उनसे संपर्क हो जाएगा, दूसरा अगर विलिंगली कोई कांग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, तो एक संपर्क का माध्यम भी जो है वो इसके माध्यम से होगा, तो हम लोग उत्साहित हैं। 138 या 1,380 या 13,800 या 1,38,000 ये इस चीज को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के गौरवशाली 138 वर्ष पूरे हुए। चुनाव लड़ने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए क्राउड फंडिंग यानी जनता से दान की मांग की है। खड़गे ने दान दिया है 1,38,000 रुपए और माना जा रहा है कि जल्दी ही एक ऐसा ही इवेंट राहुल गांधी के साथ भी कांग्रेस पार्टी लॉन्च करेगी जिसमें राहुल गांधी भी फंडिंग करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग कैंपेन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने कांग्रेस को डोनेशन देने की अपील की। कांग्रेस के इस कैंपेन पर बीजेपी ने तीखे तंज किए। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस को दिया हर एक पैसा सीधा राहुल गांधी की जेब में जाएगा जिससे वो देश विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। इस राजनीति के बीच सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस को क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल यह है कि क्या देश में 50 साल से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसे पार्टी चलाने के लिए क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। क्या कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग के जरिए एक इमोशनल कार्ड खेला। क्या कांग्रेस इस अभियान के जरिए सीधे जनता तक पहुंचना चाहती है। 3 राज्यों में हार से कांग्रेस कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं। क्या कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना चाहती है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है। कांग्रेस ने अभियान लोकसभा चुनाव से पहले शुरू किया। पार्टी को लगता है कि ऐसे अभियान से कार्यकर्ता और जनता के बीच संपर्क बढ़ेगा जिसका फायदा चुनावों में होगा। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कांग्रेस ने पैसा जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा क्यों लिया और क्राउड फंडिंग का इतिहास क्या है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक डोनेट फॉर देश अभियान महात्मा गांधी के तिलक स्वराज फंड से प्रेरित। महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1921 में की थी। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों से चंदा मांगा गया था। देश में लेफ्ट पार्टियों का क्राउड फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है। लेफ्ट पार्टियां जनता के बीच जाकर चंदा इकट्ठा करती हैं। अमेरिका में क्राउड फंडिंग की पुरानी परंपरा है, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं या फिर रिपब्लिकन पार्टी के नेता।
चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग की जाती है। इस सब के बीच में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान में जोर शोर से लॉन्च किया, लेकिन इस नाम का डोमेन बीजेपी ने पहले ही अपने नाम कर लिया, यानी गूगल पर आप कांग्रेस को चंदा देने के लिए डोनेट फॉर देश .org सर्च करेंगे तो बीजेपी का पेज खुलेगा। कांग्रेस के कैंपेन लॉन्च करने के बाद ही बीजेपी ने इसे अपने नाम से रजिस्टर कर लिया, जबकि डोनेट फॉर देश .com डोमेन 16 दिसंबर को ऑप इंडिया के नाम से रजिस्टर हो चुका है।